सर जी, आप यहाँ एक बुक लॉन्च में उपस्थित हुए और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। तो सर जी, जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ भी ये बुक पहुँचनी चाहिए, बुक में बहुत सी अच्छी बातें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये एक जो बुक है, ये एक तरह से इस 21वीं सदी के लिए, जो मोर स्पेसिफिकली हम जो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो विज्ञान आ गया है, जो साइबर स्पेस आ गई है, उसको ये बुक जो है, ये किताब जो है, एक तरह से एक नए आयाम जोड़ती है। ये लीगल इंडस्ट्री जो है, एडवोकेसी जो है, ये एडवोकेसी में किस तरह से टेक्नोलॉजी का एक नया विस्तार आ गया है, जिससे कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जुड़ गई है। तो ये किताब में ऐसे डिफरेंट पहलू है, ऐसे डिफरेंट इसके आयाम है, जो ये बताती है कि अभी नए नए रोजगार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नए नए रोजगार साइबर स्पेस के अंदर, लीगल एडवोकेसी के अंदर, ये अभी नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि अभी जितने भी लीगल प्रोफेशनल है, उन लीगल प्रोफेशनल की जो एडवोकेसी है सिर्फ कोर्ट के अंदर ही अभी सीमित नहीं रहेंगी, बट ये जो एडवोकेसी है ये बाहर भी कोर्ट के डिस्प्यूट सेटलमेंट में, ऑनलाइन डिस्प्यूट सेटलमेंट में ये इस्तेमाल उसका किया जाएगा। इस सारे चीज़ों को देखते हुए ये जो किताब लिखी गई है मिस्टर आलोक कुमार जी की तरफ से, ये बहुत ही एक प्रशंसनीय है, ऐसा एक आयाम जुड़ते गया है। और मैं ये कह रहा हूँ, इस बुक रिलीज के सेरेमनी पे जो जस्टिस के जी बालकृष्ण जो यहाँ आज आए थे और जो इनॉग्रेट किए थे उन्होंने, और जो लॉन्च किए थे ये बुक, ये बहुत ही एक बड़ा सा, एक अच्छा सा और काफ़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला एक नया प्रोग्राम हुआ है। और ये एक बुक लॉन्च है, ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई। इस तरह की बुक पब्लिशर को भी पब्लिश करनी चाहिए और वाले को भी लिखनी चाहिए, ताकि आम जनता उससे लाभान्वित तो हो सके। आम जनता के लिए इस बुक का महत्व बताएं, और राइटर हैं उनके लिए भी आप एक मैसेज दें कि वो ऐसी बुकें लिखें समाज के लिए। ऐसी जो बुकें हैं और जो भी किताबें हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और ऐसे किताबों को हमने बढ़ावा देना चाहिए। और सारे जो राइटर्स हैं, इन राइटर्स ने भी इन जैसे विषयों पे ये सोचना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए और उसमें रिसर्च करके एक नए नए आयाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से नए रोजगारों की अपॉर्चुनिटीज़ ये जोड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, और इसी तरह से प्रोग्राम में आप आम जनता को जो है मैसेज देते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। तो अभी चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बुक को लेकर? विधि के प्रोफेसर के नाते, जो आलोक जी ने बुक लिखे है और लोगों ने जिस तरह से उसका विवेचन किया है, ये किताब एक मूल बिंदु है, जो कि सभी लीगल प्रोफेशनल और इवन जो लॉ नहीं भी जानते, उनके लिए भी एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य के रूप में सामने उभरी है, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को एक मौका मिला है कि हमारा न्याय की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जो लीगल प्रोफेशनल हैं, ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने क्षमताओं को दुनिया भर में दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये बुक जो है हर गैलरी में और हर एक इंस्टीट्यूशन में, लॉ में और लाइब्रेरी में और स्कूलों में होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि ये किताब एक मूल बिंदु है, जो कि एक शुरुआत है, जो आलोक जी ने बहुत अच्छी तरीके से की है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो MBA स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी के हो, चाहे किसी भी भाषा में हो। मैं तो आलोक जी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये किताब अलग अलग भाषाओं में, हमारी प्रांतीय भाषाओं में होनी चाहिए, ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ जुड़ सके, ताकि केवल ये जो हिंदी अंग्रेजी में ही ना चक्रों में ना रहे, तो ताकि जो है सारी भाषाओं में, ये बुक सारी भाषाओं में हो, और जितने भी पब्लिशर हैं वो सब इसको दिल से इसको रिलीज करें। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा, जो ला प्रोफेशनल है, ला टीचर है, एडवोकेट है, ला प्रोफेशनल है, उनका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ासकर जो कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो अलग अलग लॉ निकाले हैं, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट,
टेलीकॉम ला, डाटा प्रोटेक्शन में जो चेंज किए हैं उसका मूल आधार क्या है? मूल आधार है कि भारत में व्यवसाय करना, बिजनेस करना आसान रहे और भारतीय लोग भी पूरी दुनिया में विश्वपताका फैला सकें और ये एक लीगल प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का भी एक बेहतरीन मौका है इस भारतीय समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और इसी तरह से आप हर प्रोग्राम में हमें मिलें ताकि आपकी जो स्पीच है आम जनता तक आपकी बातें पहुँचें। तो प्रोफेसर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।